जो पपी कल हमें रोड पर मरने की हालत में मिला था उसने सुबह पूरे रूम में खून की वोमिट और पोटी कर दी। फिर सारे रूम को साफ करके इसके कपड़े वगैरह चेंज करे। पार्वो एक से दूसरे डॉग में फैल जाता है, इसलिए प्लूटो को भी यहाँ से दूर रखना पड़ रहा है। फिर ये कांप रहा था तो इसके पास हीटर चला दिया। इसको ड्रिप लगानी थी तो बहुत मुश्किल से जाकर इसकी नस मिली। ड्रिप भी बहुत ही स्लो स्लो 2-3 घंटे में जाकर लगी। इसको पार्वो लास्ट स्टेज में है। आज बहुत अच्छी धूप निकली थी तो इसको पैक करके धूप में बैठा दिया और प्लूटो भी धूप में आकर बैठ गया। अभी चुन्नूलाल ठीक हो जाओ बाबू। फिर अपनी छोटी टीम को खाना पीना करा के आया। देखो सबसे छोटू पपी डमरू कैसे चलता है, सबसे ज्यादा खा लेता है ये, मोटू पेट। फिर मैं ट्रैक्टर लेकर फार्म पर काम करने जाता हूँ। फार्म पर जाते ही अगलू बगलू और उसकी टीम मेरे पीछे पड़ जाती है। देखो सबके सब ट्रैक्टर के साथ साथ चल रहे हैं, पता नहीं इनको मेरे साथ चलने में क्या मजा आता है। फिर ये सब मुझे रोड तक छोड़ कर आते हैं। फिर घर आकर पपी से मिलता हूँ। हाँ भाई नींद ले रहे हो? फिर इसको नारियल पानी देते हैं तो ये अपने आप ही पीने लगता है। फिर शाम को पपी की और दवाइयाँ लाता हूँ। फिर शाम को इसको फिर ब्लड की वोमिट होती है। इसको ड्रिप लगाने को नस ढूंढता हूँ, लेकिन इस बार तो बहुत कोशिश करने के बाद भी रात 1 बजे तक भी इसकी नस नहीं मिलती है।